हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम एक SMPS को रिपेयर करेंगे। वैसे ये फोनटेक का है और ये ख़राब हो चुका है, तो मैं इसका जो भी कनेक्शन है अभी इसको खोल के अलग कर लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा काम करने में तकलीफ होती है। तो इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे, क्या कुछ प्रॉब्लम होता है और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है आपका, अगर है तो आप ज़रूर वीडियो को एंड तक देखिए। तो ये रही इसका AC इनपुट। तो ऑब्वियसली मैं इसको सीरीज पर लाइन दूंगा, तो मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ। ऑब्वियसली मैं इसको सीरीज पर लाइन दूंगा। पे लाइन दे दिया, तो अभी इसका वोल्टेज नापना है, आउटपुट आ रहा है कि नहीं। और यहाँ पे AC है तो ऑब्वियसली ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे DC 500 वोल्ट पर कर देता हूँ और यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। तो नेगेटिव, और यहाँ पे ग्रीन वायर जो है, यहाँ पे जो ग्रीन वायर है तो नेगेटिव को मैं दूसरी जगह पर जोड़ देता। तो नेगेटिव यहाँ पे जो ब्लैक वायर, जितना भी ब्लैक वायर है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन जो कलर का वायर है उसमें 5 वोल्ट आना चाहिए, तो देखते हैं, जो कि यहाँ पे 1 वोल्ट लगभग आ रहा है, 1.8 समथिंग आ रहा है, जो कि सही नहीं है। और अगर यहाँ पे और बाकी सब की बात करें, रेड पर हमारा 5 वोल्ट होना चाहिए, जो कि 6.6, जो कि सिर्फ AC की मदद से आ रहा है। इसमें मैं यहाँ पे AC पावर दिया हूँ तो इसलिए थोड़ा बहुत वोल्टेज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं है। तो इसका मतलब, इसको ऑफ कर देते हैं, और कोई भी SMPS काम करने के टाइम अब जब इसको रिपेयर करेंगे, पहले इसका कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर देंगे, क्योंकि ये ख़राब है तो इसलिए कैपेसिटर पर चार्ज रह जाता है कई कई टाइम, अभी नहीं है, ठीक है। तो नहीं तो बहुत ज़ोरदार एक झटका मिलेगा। तो यहाँ पे किसी पे भी वोल्टेज नहीं है। तो यहाँ पे मेनली दो सेक्शन होता है, एक हमारा AC इनपुट सेक्शन और यहाँ पे एक DC कंट्रोलर सेक्शन, और ये IC वाला ये सब कुछ पूरा चीज़ को कंट्रोल करता है। AC सेक्शन पर हमारा एक स्टैंड बाई 5 वोल्ट आता है, जो कि इस ग्रीन वायर पर आती है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन वायर पर कोई 5 वोल्ट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से ही प्रॉब्लम है, यहाँ से ही वो जो 5 वोल्ट है वो प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण ये पूरा सर्किट काम नहीं कर रहा है। तो मैं इसको अभी खोल लूँगा, यहाँ पे जो भी ट्रांजिस्टर है मैं खोल लूँगा पहले। तो मैं यहाँ पे इसका ट्रांजिस्टर हिस्सा खोल लिया हूँ। तो चलिए, यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर होता है, एक 13007 रहता है जो कि मेन पावर के लिए है, और एक यहाँ पे एक MOSFET रहता है। लेकिन मैं यहाँ पे जो नंबर देख पा रहा हूँ, लगता है एक ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है 13007 के अंदर।
तो ये ट्रांजिस्टर हमको ठीक लग रहा है, और यहाँ पे ये जो 2013-7 है इसको मेरे को प्रॉब्लम लगता है। तो कुछ दिन पहले मैंने इसको रिपेयर करने की कोशिश किया था, और यहाँ पे मैंने 13009 लगाया था जो कि इसका बड़ा भाई है, तो इसलिए मैं यहाँ से 13009 को खोल लूँगा और यहाँ पे लगाऊँगा। इसको मैंने रिपेयर नहीं कर पाए, यहाँ पे ये प्रॉब्लम थोड़ा सा क्रिटिकल है। एक्चुअल में SMPS का जो प्राइस है, जो फोनटेक का मिलता है, इतना प्राइस कम है। आप अगर इसके पीछे ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो आपका कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको छोड़ दिया। तो मैं इसको वहाँ से खोल लिया है, और यहाँ पे ये यह है 13009, जो कि पिन कॉन्फ़िगरेशन सेम है लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल है 7 से। ये लगभग 780 वाट का होता है और ये 100 वाट का है, तो ये थोड़ा सा पावरफुल है, तो मैं यहाँ पे आसानी से लगा सकता हूँ। और यहाँ पे अगर गौर कीजिएगा, यहाँ पे जो माउंटिंग है वो फाइबर नहीं है, मतलब सिरामिक होता है ये, तो ये नहीं है। तो यहाँ पे हीट का जो सेपरेटर है वो लगेगा, यहाँ पे नहीं था। तो खराब और अच्छे में क्या फर्क है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसका एक नंबर पिन शायद, हाँ, एक नंबर बेस है, और यहाँ पे इमीटर और कलेक्टर है जो कि इसमें भी सेम है, तो ये दोनों सही है। तो अगर इसको हम देखें, यहाँ पे कोई पल्स नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये खराब है। ठीक है, तो ये खराब है, तो इसको हम यहाँ पे लगा लेंगे। उससे पहले इसके ऊपर सेपरेटर को लगा देते हैं। ये तो मैंने लगा लिया, तो इसको टाइप कर देते हैं। और यहाँ पे आप अगर गौर से देखेंगे, हमें कुछ रेजिस्टेंस जल गया है, तो यहाँ पे ये 2 रेजिस्टेंस एकदम से जल गया है, इसको खोल लेना है और इसके जगह पर नया लगा लेना है। तो उससे पहले मैं और कुछ चेंज यहाँ पे देख लेता हूँ, क्या यहाँ पे डायोड वगैरह शॉर्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे डायोड की अगर बात करें तो डायोड सही ही है, और यहाँ पे ये डायोड भी सही है, और यहाँ पे कुछ बड़ा डायोड भी है जो कि सही दिख रहा है, और यहाँ पे एक 945 और यहाँ पे 4148 का कॉम्बिनेशन रहता है, जो कि इसको ये मेन हमारा 5 वोल्ट के लिए रहता है, जो कि हम सही दिख रहा है। और यहाँ पे ट्रांजिस्टर को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे शॉर्टेज के लिए चेक करूँ, और ये मैं बीप मोड पर चेक कर रहा हूँ। जो कि अभी मैं देख पा रहा हूँ ठीक ठाक है। तो पहले ये 2 रेजिस्टेंस को खोल लेते हैं। वैसे इस रेजिस्टेंस का जो हालत है, मेरे को तो इसका कलर कोड नहीं मालूम पड़ेगा, तो मैं दूसरा SMPS को देख के पता करूँगा।
तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस जल चुका है और इसका मेरे को कोई नंबर नहीं मालूम, मतलब यहाँ पे कलर कोड रहता है, कलर कोड तो पूरा जल चुका है तो मेरे को कलर कोड नहीं मालूम। मैं यहाँ पे दूसरा बोर्ड को देख के पता करूँगा। और इसके ऊपर ही मैं और इसके ऊपर में एक 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है जो कि मैं देख पा रहा हूँ, तो मैं 10 ओम्स के लिए थोड़ा सा नाप लेता हूँ। तो यहाँ पे 10 ओम्स भी खराब मेरे को लग रहा है, तो 10 ओम्स को भी खोलना है। तो ये रही वो बोर्ड। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा दिखने में अलग है, लेकिन यहाँ पे अगर गौर से देखेंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे सार हर एक चीज कनेक्शन सेम रहता है। इसका जो कनेक्शन है इसका भी सेम रहता है इस इनपुट का पोर्शन पर। यहाँ पे आईसी के अनुसार चेंजेस हो सकता है। वैसे इसका आईसी का नंबर 810 है और ये भी 810 है, 8010 है और ये 8110 है, तो थोड़ा सा अलग है। लेकिन यहाँ पे इनपुट का पोर्शन का हर में ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो यहाँ पे कनेक्शन मैं देख लूँगा कहाँ से कहाँ तक था। तो यहाँ पे जो एक नंबर और तीन नंबर से शॉर्ट था एक रेजिस्टेंस होके, तो यहाँ पे भी एक नंबर और तीन नंबर में शॉर्ट है। तो इसका नंबर जो मैं देख पा रहा हूँ वो है 2.7 के। तो यहाँ पे जो देख पा रहा हूँ रेड और यहाँ पे ब्लू करके है, तो मैं यहाँ पे कोड को रेड ब्लू और रेड, तो 2.6 के या फिर 7 के ये अगर होता तो 2.7 के। तो 2.7 के का रेजिस्टेंस हम लगा सकते हैं जहाँ पर वो एकदम से खराब हो चुका है। तो और यहाँ पे एक 1 ओम्स का रेजिस्टेंस है जो कि खराब हो चुका है। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या ये 1 ओम्स का रेजिस्टेंस है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, ये भी 1 ओम्स का रेजिस्टेंस है जो कि एक नंबर पिन से कैपेसिटर पे गया है। तो मैं भी देख लेता हूँ इसका एक नंबर पिन जो कि है इस तरफ, तो एक नंबर पिन से एक कैपेसिटर की तरफ गया है जो कि सही है। तो यहाँ पे 1 ओम्स और 2.7 के का एक रेजिस्टेंस चाहिए, दो दो रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको ला लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे 2 1 ओम्स और 2 2.2 के मेरे को मिला है, तो मैं यहाँ पे उसको ही यूज कर दूंगा। वैसे थोड़ा सा एक कम वैल्यू है, तो जितना हो सके आप एक्यूरेट वैल्यू लगाइए, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है तो मैं इसको लगा के कम चला लूँगा। तो मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस को खोल चुका हूँ, तो चलिए फिर से देख लेता है। यहाँ पे सभी रेजिस्टेंस एकदम से जल चुका है, तो इसमें कोई देखने की बात भी नहीं है, लेकिन वैल्यू वही है जो मैंने देखा था। यहाँ पे ब्राउन ब्लैक है, मतलब ये 1 ओम्स का रेजिस्टेंस है और ये भी खराब हो चुका है। तो जहाँ से मैंने जिस वैल्यू का रेजिस्टेंस खोला था मैं उसको वहाँ पर लगा दूंगा। तो मैं यहाँ पे सारे रेजिस्टेंस को लगा चुका हूँ, तो अभी मैं इसको फिर से टेस्ट कर लेता हूँ क्या यहाँ पे ये सही है कि नहीं। तो ये तो हमारा के वाला रेजिस्टेंस था, तो ये यहाँ पे नहीं शो करेगा के वाला रेजिस्टेंस हमको। तो मैं यहाँ पे 2.2 के लगाया हूँ, तो यहाँ पे 2.1 दिखा रहा है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस सही से काम कर रहा है अभी। तो यहाँ पे कैपेसिटर थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा बड़ा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे प्लेस इतना है नहीं, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। रीज़न यही है कि ये साइज में थोड़ा सा बड़ा है।
तो मैं यहाँ पे जैसा वैल्यू था यहाँ पे 10 mFd और 50 वोल्ट, तो मैं यहाँ पे 63 वोल्ट लगा रहा हूँ क्योंकि केल्टोन का 63 वोल्ट ही आता है यहाँ पे, तो जैसा था वैसे लगा दूंगा। तो यहाँ पे कैपेसिटर भी लगा दिया और रेजिस्टेंस भी लगा दिया, और यहाँ पे कुछ डायोड वगैरह शॉर्ट है कि नहीं मैं फिर से बीप मोड पर रख के चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे कोई डायोड वगैरह शॉर्ट है कि नहीं। और यहाँ पे 22 जो कि हमको सही लग रहा है, सॉरी हाँ ठीक है। और यहाँ पे जिनर डायोड भी देख लेते हैं जो कि सही लग रहा है। यहाँ पे शॉर्ट के लिए मैं चेक कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर जिनर डायोड शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे एक बगल में एकदम जिनर डायोड है जो कि सही दिखा रहा है। थोड़ा सा अजीब सा जिनर डायोड का वैल्यू आ रहा है तो मैं इसको खोल के चेक कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पे चांस आपको एक बार ही मिलता है। अगर आप सही से सब कुछ कॉन्फिगर नहीं करते हो तो जो चीज़ आप नया लगाते हो वो भी ख़राब हो सकता है, तो मैं इसका रिक्स नहीं लूँगा, इसको थोड़ा सा खोल के टेस्ट कर लूँगा। तो मेरे को जिनर डायोड सही लग रहा है क्योंकि जो रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब जो वैल्यू दिखा रहा है दूसरे सर्किट से आ रहा है, जिनर डायोड यहाँ पे सही से काम कर रहा है। सही से काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ सही है। तो अभी यहाँ पे मॉस्फेट को लगा दूंगा। ओके, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को मैंने, सॉरी जिनर डायोड को मैंने प्लेस कर दिया, तो अभी इसका बारी। तो जैसे था वैसे ही सिंपल लगा देंगे। तो मैं इसको टेस्ट किया था जो कि है 5027, तो ये सही है। तो दो यहाँ पे सिर्फ मेन हमारा 13007 के जगह मैंने 9 लगाया, तो मैं अभी इसको सोल्डर कर रहा हूँ और अच्छे से एकदम सोल्डर कर दूंगा। तो हो गया सोल्डर, तो मैं यहाँ पे इसको साफ कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई गलती से भी शॉर्ट हो गया तो ये फिर से खराब हो सकता है। तो हो गया यहाँ पे कंप्लीट। तो अभी आउटपुट का सेक्शन में जो डायोड लगा रहता है यहाँ पे 3 जो है ये डायोड है, तो डायोड को मैं थोड़ा बहुत चेक कर लूँगा। यहाँ पे सब कुछ सही दिखा रहा है, अरे तो इस वाले डायोड पर मेरे को थोड़ा सा कम वैल्यू दिखा रहा है। तो यहाँ से एक होता है कि आउटपुट का लोड पर एक रेजिस्टेंस रहता है जो कि शॉर्ट रहता है, मतलब थोड़ा सा कम वैल्यू का होता है जिसके कारण यहाँ पे शॉर्ट दिखा सकता है। तो मैं इस कॉइल को निकल दिया है, इस कॉइल का एक वायर को जो कि इसके साथ कनेक्टेड था, मैं इसको अभी चेक कर लूँगा जो कि अभी सही दिखा रहा है। तो यहाँ पे आउटपुट का सेक्शन में कोई भी मेरे को प्रॉब्लम अभी तक नहीं दिखा, तो मैं इसको सोल्डर कर दूंगा। ओके, तो डन हो गया। तो अभी पावर देने की बारी, तो थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। ओके तो ऑब्वियसली मैं इसको सीरीज पर लाइन दूंगा, तो मैं इसको वोल्टमीटर को
500 वोल्ट पर रखा है डीसी, और मैं इस डीसी जैक को जो ब्लैक वायर है मैं इसका ब्लैक के साथ कनेक्टेड कर दिया। तो मैं इसका पावर ऑन करता हूँ। तो पावर ऑन किया और यहाँ पे ग्रीन वायर पर हमारा 5 वोल्ट आना चाहिए, जो कि देख लेते हैं क्या आ रहा है कि नहीं। तो ये रही, तो यहाँ पे अगर लगाता हूँ तो 6 वोल्ट दिखा रहा है, तो मैं इसको 20 वोल्ट पर कर देता हूँ अभी। तो यहाँ पे 4.890 तक दिखा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे स्टैंड बाई के लिए वोल्टेज आ रहा है। तो अभी हम अगर ग्रीन और ब्लैक को शॉर्ट करते हैं तो यहाँ पे आउटपुट निकलना चाहिए। तो मैं इसको चिमटी की मदद से शॉर्ट कर रहा हूँ। तो मैं इसका शॉर्ट करके, तो अभी देखते हैं यहाँ पे इस कनेक्टर पर हमारा वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अभी भी कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। मैं 5 वोल्ट के साथ कनेक्शन किया हूँ, तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज अभी तक नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे और भी चीज़ प्रॉब्लम हो सकती है। तो 5 वोल्ट आ रहा है मतलब यहाँ पे इनपुट सेक्शन हमारा सही हो गया है, और यहाँ पे जो 954 करके ट्रांजिस्टर रहता है जो कि पेयर में, तो उसको चेंज करने की बारी अभी। तो मैं इसको खोल लेता हूँ अभी, वो ख़राब है कि नहीं। अभी खोल लेता है हमारा 945 जो कि यहाँ पे 2 है, तो इस 2 को खोल लेता है अभी। तो उससे पहले ऑब्वियसली मैं इसको डिस्चार्ज कर लेता हूँ। वैसे यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी डिस्चार्ज किया जब तो कोई फायरिंग नहीं मिला। तो किसी किसी में फायरिंग रह जाता है, तो उस केस में आपको जोर का झटका लग सकता है। तो 945 दो ही नंबर 1 है, तो इसको टेस्ट कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पे उल्टा पुल्टा वैल्यू दिखा रहा है, एकदम उल्टा पुल्टा, तो ये खराब हो चुका है। तो यहाँ पे एक नया 945 लगाना है, तो ये तो एक खराब। तो मैं इसको दूसरे SMPS से खोला हूँ, तो अभी देख लेते हैं इसका क्या हाल है। ये भी खराब है। और दूसरा से देखते हैं, ये थोड़ा सा मेरे को अच्छा लग रहा है, पूरा टेस्ट करना पड़ेगा तभी हम बता सकते हैं। तो ये मेरे को अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी के लिए मैं इसको नहीं लगाऊंगा, ये तो खराब ही है। तो इस वाले बोर्ड से देखते हैं, कोशिश करके निकल के। तो यहाँ पे SMPS पर 945 रहता है, तो आसानी से आपको कोई भी अगर पुराना SMPS है तो वहाँ से आप खोल के लगा सकते हैं, लेकिन आप ज़रूर उसको चेक कर लीजिएगा लगाने से पहले। तो ट्रांजिस्टर को आपको चेक करने का तरीका मालूम है तो अच्छा है, नहीं तो आप नया लगा लीजिए। नॉर्मली हम इसको जो बर्जर मोड है, जो बीप मोड है, उस पर ही चेक करता है, जहाँ पे डायोड चेक करता है। तो मैं इसको सही दिख रहा हूँ अभी, तो फिर से इसको चेक कर लेते हैं। तो ये भी मेरे को सही अभी तक लग रहा है। तो यहाँ पे BS है 3 नंबर, और यहाँ पे 500 करके
खाली दिखाएगा, जो कि एक नंबर और दो नंबर पर दिखाएगा। तो ये दोनों सही है, मैं इसको इस जगह पर जैसे था वैसे लगा दूंगा। चलिए, तो इसका मैंने जिनर डायोड तब टेस्ट किया था, उल्टा पुल्टा वैल्यू दिखा रहा मैंने कहा था, तो तभी यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है खराब हो गया था, इसीलिए उल्टा पुल्टा वैल्यू दिखा रहा था। तो मैं इसको अगर चेंज कर दूंगा वो वैल्यू दिखाना बंद हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा वैल्यू को चेक कर लेते हैं क्या वही वैल्यू दिखा रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गया अभी, और तब 300 के बराबर दिखा रहा था और दोनों में सेम दिखा रहा था, तो चेंज कर दिया। अभी देखते हैं टेस्ट करके क्या इसका हाल है। ठीक है, तो पावर ऑन और ग्राउंड को करते हैं कनेक्ट, और यहाँ पे तो इसको करते पहले वोल्ट मीटर पर। ग्रीन पर अभी 5.1 आ रहा है, तो मैं इसको अभी शॉर्ट करूँगा। तो अभी 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं देखिए, यहाँ पे रेड पर 5 वोल्ट आना स्टार्ट हो चुका है। तो येलो पर हमारा 12 वोल्ट होता है, तो 12 वोल्ट पर यहाँ पे 1.2 वोल्ट दिखा रहा है। सॉरी, यहाँ पे हमारा जो चिमटी मैंने घुसाया था वो खुल गया था, तो यहाँ पे भी 12 वोल्ट आ चुका है। तो अभी इसको बंद करते हैं, तो आप लोगों को दिखा देते हैं। तो यहाँ पे 12.667 दिखा रहा है, जो कि यहाँ पे सही है। तो ऐसे करके आप कोई भी SMPS को रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पे आपका मेन जो प्रॉब्लम होता है इनपुट सेक्शन होता है, और यहाँ पे जो मैंने ट्रांजिस्टर को चेंज किया वहाँ पे होता है। बाकी सब कुछ अगर खराब होता है, ज़्यादातर खराब नहीं होता, अगर IC खराब होता है तो आपको नहीं मिलेगा, तो आप उसको छोड़ दीजिए। तो मेनली आपको ध्यान देना है यहाँ पे इनपुट सेक्शन और इसका बीच के जो 9545 करके ट्रांजिस्टर रहता है, तो ये दोनों को आपको देखना है। बाकी मैंने जैसा यहाँ पे चेंज किया रेजिस्टेंस वगैरह, अगर इस ट्रांजिस्टर शॉर्ट होता है तो उस केस में रेजिस्टेंस वगैरह खराब हो जाते हैं, तब उसको चेंज करके ठीक कर सकते हो। वैसे यहाँ पे और 4 मेन डायोड है जो कि इस पावर सप्लाई को ऑपरेट करता है AC से यहाँ तक DC प्रोवाइड करने में। यहाँ पे 220 का AC रहता है और इसको DC करके यहाँ पे ऑलमोस्ट 300 वोल्ट का DC यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो इस डायोड भी खराब हो सकते हैं। डायोड चेक करने का सिंपल आपको टेक्निक है कि आप उसको शॉर्ट चेक कर लीजिए, और बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सही रहता है। और यहाँ पे आउटपुट पे जो डायोड है वो भी उतना ज़्यादा खराब नहीं होता, लेकिन ऐसा केस है कि आपका एक में वोल्टेज आ रहा है और दूसरे में नहीं आ रहा है, तो उस केस में आपका एक कैपेसिटर वगैरह खराब हो सकता है। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम पाती है, दो एकदम छोटा छोटा कैपेसिटर है। अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो इतना ज़्यादा फर्क है। तो ये एकदम फॉन्टेक का बोर्ड है, तो इसलिए इसका जान भी कुछ है ही नहीं। तो आज के लिए वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। तो आज के लिए इतना ही, बाय। मैं इसको बाद में लगा लूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय।